ईमेल एंड नोटिस राइटिंग कितना आसान है। Wish I found some better sounds no one's ever heard. Hey, what's up guys? I'm Akash and you're watching Akash Talks. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और ईमेल एंड नोटिस राइटिंग के ऊपर। तो यार मैंने लर्न वीडियो किया था हाउ टू गेट 90% अबव इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उधर मैंने एक मिस्टेक किया था और उससे मेरे को मालूम नहीं था कि इस साल से या फिर 2019 ऑनवर्ड्स में ICSE के अंदर आप लोगों को ईमेल एंड नोटिस राइटिंग इंक्लूड किया गया है और वो बहुत ही आसान हो गया है यार। अब बहुत स्मार्ट स्कोर कर सकेंगे, अभी 95 के ऊपर भी स्कोर कर सकते क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को ग्रेट स्टूडियो कमेंट किया था कि भाई आपने इस साल से ये इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद ही मैंने पता लगा कि मैं भी जो इस बात का बैच है उस उन लोगों को मैं पूछा और उन लोगों से भी मैं कॉन्टेक्ट करने के बाद उन लोगों को बोला कि हाँ यार इस पर्टिकुलर बैच से आप लोगों को ईमेल एंड नोटिस राइटिंग इंक्लूड किया गया है और ये बहुत ही आप लोगों को इंक्रीज मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर पाएंगे क्योंकि मार्क्स 5 करके 10 10 विल गेट इजीली। और इसका फॉरवर्ड अगर आपको नहीं और मेरे को और एक लोग ने मेरे को कमेंट किया कि भाई अगर आपने थोड़े बहुत सजेशन दे इसके बारे में, तो यार देखो इंग्लिश में ईमेल तो हम सभी लोग किसी ना किसी तो करते ही है या फिर कर, ईमेल कितना आसान है यार, ईमेल बहुत ही आसान है। तो इसका जो मेन जो स्पेशल पेपर है ये ICSE ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया या फिर इंटरनेट पर जाओगे सर्च करोगे तो उधर आपको मिल जाएगा। तो मैंने भी इसका इस पर्टिकुलर स्पेशल पेपर का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ उधर मैं उसको लिंक दे दूंगा, उधर जाकर आप फॉर्मेट चेक कर सकते हो जो ICSE ने दिया, जो दैट मीन CISE जो मेन है, तो CISE ने जो दिया और JDR जो इसका मेन एकदम चेयरमैन है, तो जो उन्होंने दिया तो वही एकदम सही है और वही फॉलो करो ठीक है, और उधर ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएगा ठीक है। तो कितना आसान हो गया आप सोच सकते हो, पहले आपको पेसी फेसी वही सब लिखना पड़ता है, एक नेम देना पड़ता था, बट अभी कुछ नहीं करना पड़ी, कुछ नहीं करनी, बहुत ही इजी हो गया। तो यार देखो, तो फिर से आप कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट दिया कि हाँ भाई इसके बारे में कुछ बता दो, तो हाँ मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में ही बताऊंगा और थोड़े बहुत फॉरवर्ड आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर कुछ अच्छे तरीके समझ नहीं आया तो जाकर आप देख सकते हो। तो यार फर्स्ट देखो, मेरे पास एक स्पेसिफिक पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो नोटिस हम तो नोटिस भी तो आप देखे हैं, तो उधर भी तो आप देखे हैं, तो नोटिस राइटिंग कैसे लिखनी है। तो देखो फर्स्ट आपको बोला गया कि आपको आप इंटर स्कूल एक डिबेट कंपटीशन होस्टिंग करेंगे और इसलिए आपको दूसरे स्कूल को इन्वाइट करनी है ठीक है। तो पहले हम जो स्पेसिफिक आंसर है तो उधर पहले दिया गया है वर्ड ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स कि वर्ड्स का वर्ड होगा, वर्ड्स का दैट मीन्स, अब तो समझ गया कि ये आप ये चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ और कुछ दिमाग में आया उस टाइम। तो उसके बाद इंटर स्कूल डिबेट, उसके बाद उसके नीचे लाइन में, तो ये दोनों लिखने में आपको वर्ड ऑफ वर्ड्स के लिए 1 एंड इंटर स्कूल डिबेट के लिए 1, ऐसे करके 2 हो गए। और उसके बाद आपको आएगा ऑन 8 December 2017, तो कब हो रहा है आपका स्कूल में ये इवेंट कब हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर डेट आपको देनी है, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। इसके बाद टाइम देनी है, तो फ्रॉम 9 AM to 12 noon, तो इतने बजे तक इतने बजे से होगा। तो उसके बाद आपको देना है आपका स्कूल का नाम, तो आपका जो स्कूल का नाम है इसीलिए भी आपको 2 1 देगा आपका स्कूल या फिर आपका स्कूल का नाम लिखने में। और इसके बाद कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्लास 9 and 10 दोनों ये लिखने के लिए आपको 1 दिया जाएगा। तो सोचो ऐसे में 5 तो हो ही गया, कितने आसान से आप सिर्फ 4 to 5 लाइन लिखने के बाद 5 मिल जाएगा, कितना आसान, आपको प्रेसी का नाम नहीं सोचना पड़ता, कितना आसान हो गया है ये सोच लो। और उसके बाद जो ईमेल राइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी लोग ने किसी ना किसी बात तो किया ही है। अगर आप गूगल पे या जीमेल पे अगर आप कंपोस्ट मेल करते हैं तो उधर जैसा ही फॉर्मेट आता है वही है ईमेल राइटिंग। और ये मेन बात जो हम लोग जिस टाइम का बैच थे उधर ही ये चीज इम्प्लीमेंट करने का प्लान था ICSE का, बट उस टाइम CISE ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बोला कि नहीं बच्चों को अभी नहीं करनी है बाद में करनी है, तो ऐसा कुछ बोला था CISE ने, बट अभी तो CISE ने इंक्लूड कर दिया, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है 2019 के बैच में और आप बहुत अच्छी तरीके से आपका मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो ईमेल राइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है,
to write an email to the principal of neighboring school informing him or her of the event and request her to send the team or to participate. तो आपका जो स्कूल की जो टीम है तो उधर आपको पार्टिसिपेट जो दूसरे जो स्कूल का प्रिंसिपल का आपको ईमेल करनी है ताकि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट को भेजे आपके स्कूल में. तो जो भी कंपटीशन है जो भी कुछ टेक कुछ इंटर स्कूल या फिर जो भी है कंपटीशन तो उसके लिए तो पहले आपको जैसे पहले जिस स्कूल के आपको भेजेंगे तो उसका तो आपको जीमेल एड्रेस देना पड़ेगा तो उसका एड्रेस दीजिए. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जैसे जैसे आप अगर कॉम्पोज मेल जाकर अगर आप मेल करेंगे तो उधर भी सब्जेक्ट लिखा है तो उधर सब्जेक्ट जाकर आपको सब्जेक्ट लिखनी है तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन. उसके बाद ऐसा लेटर के फॉर्मेट में करना है कि डियर सर या फिर डियर मैम. तो उसके बाद आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग 50th एनुअल एनिवर्सरी एज अ सेलिब्रेशन यू शुड जैसे कि आप करते हैं तो ऐसे करके आपको चार पांच लाइन लिखनी है. उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली उसके बाद आपका नाम लिख देनी है. तो कितना और अगर आप किसी पोस्ट होल्ड करते तो उसका भी नाम लिखनी है कि हमें सपोज आई एम आकाश द सेक्रेटरी ऑफ दिस. तो कितनी आसान हो गया और आप कितनी आसानी से मार्क्स उठा स्कोर कर पाएंगे और आपने सोचा तो बहुत ही ईजी है. तो मेरे ख्याल से आपको आपको ये दोनों बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी मिल गया इन द सेंस कि 95 के ऊपर स्कोर करने का. ठीक है, तो अगर आपका कोई कॉमेंट है तो प्लीज अगर आपका किसी भी क्वेश्चन तो नीचे कॉमेंट करिए, मैं आपका कॉमेंट का रिप्लाई श्योर करूंगा. ये इंग्लिश के नहीं किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, मैं श्योर इसका रिप्लाई बैक करूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड यू मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून.